अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम? मेरा नाम उबैदुल्ला मुजफ्फर भट्ट है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। आप मुझे बताइए, ये जो छोटी नदी है ये कौन सी नदी है? ये शाली गंगा है। शाली गंगा, ये कहाँ से आती है शाली गंगा? ये टाटा कुटी से आती है, पीरपंचा ग्लेशियर से इमर्ज होती है, फिर ये अष्टार से दूध पथरी में नीचे से जाती है। अष्टार से जाती है, टाटा कुटी ग्लेशियर से आती है, अष्टार में जाती है, अष्टार से आगे दूध पथरी में जाती है, फिर दूध पथरी से नीचे फिर ये जो है दूध गंगा के साथ मिक्स होती है वाथोरा के थोड़ा आगे। इस वक्त हम वाथोरा में ही है, तो ये आगे जाएगी दूध गंगा के साथ। अच्छा, दूध गंगा जो है ये कहाँ से निकलती है? दूध गंगा निकलती है यूसमार्ग से, यूसमार्ग फिर ब्रैनवार फिर चाडोरा जाती है। यूसमार्ग के आगे ग्लेशियर है, वो वहाँ से आती है, मतलब वो भी पीर पंजाल से ही है वो भी। तो ये जो फिर ये जाएगी शाली गंगा दूध गंगा में, और दूध गंगा कहाँ जाएगी? दूध गंगा जाती है फिर वेटलैंड में। कौन सी वेटलैंड में? ये होकर सर वेटलैंड में फिर आगे वो दी। आप मुझे बताइए ये गंदी क्यों है, इसमें इतना क्या मसला हो गया? ये जो है लोग इसमें जो है माइनिंग करते हैं, और ये इसमें जो कूड़ा फेंकते हैं बहुत ज्यादातर माइनिंग का ये कॉन्स्टेंटली हो रही है। यस, ये जो है और पीपल्स पे कुछ लोग ज्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं देते हैं, ये काफी ज्यादा बुरी बात है। तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ मैं कि इस पर थोड़ा सख्त नोटिस लिया जाए, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये काफी, और लोगों से क्या अपील करोगे आप? लोगों से ये अपील मैं करना चाहता हूँ कि ये जो कूड़ा मत फेंकिए। आप जो अच्छा, जब ये शाली गंगा वहाँ से निकलती है अष्टार से, आप गए थे शायद, आप गए हैं वहाँ पे? कब गए थे आप वहाँ पे? वो वहाँ पर गए थे हम 2020 में 11th। कैसा लगा? 11 जुलाई 2020 आपको याद है डेट? हाँ। तो कितनी जबरदस्त है वहाँ पे, कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत है, अब मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि यही शाली गंगा है। वहाँ पर शाली गंगा वो शीशे जैसी है, और यहाँ पर आते आते ही लोग इस पे इतना कूड़ा फेंकते हैं, इतना कूड़ा और सारा अपना घर की सारी गंदगी फेंकते हैं, और इतनी गंदी और काली हो जाती है। ये काफी हेडर्स है अपने हमारे एनवायरमेंट के लिए भी, और हमें इस पे सख्त नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू।